बीपीएससी पास करने के लिए आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी होगी। आपको दिल्ली जाना होगा और उसके बाद ही आप बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये तमाम बातें आज तक आपने सुना और जाना होगा, लेकिन बिहार के बक्सर की एक बेटी ने इन सारे कथनों को गलत साबित किया है। जी हाँ, बिहार के बक्सर की बेटी घर से पढ़ाई करके पूरे यूपीएससी में सेकंड टॉपर बनी है। दरअसल आज यूपीएससी ने 2022 का रिजल्ट जारी किया और जो दूसरे स्थान पर है वो बिहार की बेटी है। बिहार की गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं की थी, कहीं दिल्ली या फिर किसी और बड़े शहर जाकर आईएएस और आईपीएस बनने की तैयारी नहीं की, बल्कि बिहार के एक छोटे से गांव बक्सर में रहकर उसने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद आज यूपीएससी के सेकंड टॉपर में अपना नाम दर्ज किया है। जब गरिमा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो, जहां आप कंफर्ट फील करें, वहीं से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बड़े शहर जाकर कुछ नहीं होता। दरअसल गरिमा ने अपने जो स्कूल की पढ़ाई है वो बक्सर से ही रहकर की, इसके बाद वो बनारस गई, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन आया, जब कोरोना का समय आया, तो गरिमा अपने घर वापस आ गई और उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी की, पढ़ाई शुरू की और अंततः जब 2022 में उन्होंने यूपीएससी दिया तो यूपीएससी की सेकंड टॉपर ली। गरिमा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो गरिमा ने कहा कि आज बड़ी खुशी हो रही है, मैंने यूपीएससी में सेकंड रैंक लाया है और अब पूरे मेरे घर में जश्न ही जश्न का माहौल है, खुशियाँ छाई है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी मेहनत है। गरिमा ने इस बारे में बताते हुए कहा कि 15-15 घंटे डेली में पढ़ाई करती, जब एग्ज़ाम करीब आ गया तो दिन भर पढ़ाई करनी होती थी, ऐसे में 3-4 घंटे ही पढ़ाई करती थी। ये तमाम बातें गरिमा ने कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि घर से पढ़ाई करना बेहद आसान है, अब ऑनलाइन ज़माना आ गया है, आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये तमाम बातें गरिमा लोहिया ने कही है। इस बार का जब 2022 का रिजल्ट आया तो गरिमा लोहिया सेकंड टॉपर बनी है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें, धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।